हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा सिंपल। इतने सारे नंबरों में से सिर्फ हमें तीन नंबर उठाने हैं, यहां पर पुट करने और उनका आंसर जोड़ने पर 30 लाना है। और अगर आप ऐसा कर देते हो तो आपको लाखों रुपए जीतने का मौका मिल सकता है। दरअसल ये दुनिया का सबसे ज्यादा वायरल और फेमस क्वेश्चन है। पूरी दुनिया इस क्वेश्चन ने हिलाकर रख दी थी। बड़े बड़े स्टूडेंट और बड़े बड़े मैथमेटिशियन इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट मैसेज और मेथड दिए थे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अगर आपने आज इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो आप मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा होशियार होने वाले हो। बस मेरे बताए गए रूल और तरीकों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कार्यक्रम शुरू किया जाए। हम सबसे पहले तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं। पहला नंबर हमने 5 लिया, दूसरा 7, तीसरा 9, तीनों को ऐड कर लिया 21 आया है। लेकिन ये 21 30 के बराबर नहीं आया तो हम इसे नहीं ले सकते। चलिए दूसरी बार ट्राई करते हैं। पहला नंबर मैंने 9 लिया है, दूसरा 11, तीसरा 13, तीनों को ऐड कर लिया, हमारे पास 33 आंसर आया है। ये इस बार 30 से ऊपर हो गया, तो ये भी तरीका गलत है। चलिए तीसरी बार ट्राई करते हैं। पहला नंबर लिया है मैंने 13, दूसरा 15 और तीसरा 3, अब मैंने इनको ऐड किया है तो आंसर 31 आया है, जो कि 30 से एक नंबर बड़ा है, तो हम इसे भी नहीं ले सकते। यहां पर हम किसी भी एक नंबर को बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर 9 ले लिया, एक और बार मैं 9 ले लूंगा, दो नंबर हो गए, अब मुझे एक और नंबर चाहिए, मैं यहां पर ले लेता हूं 15। 9 और 9 होता है 18 और 15 हो जाएगा 33, ये भी करेक्ट नहीं आया है। तो यहां पर आप एक बात को ध्यान से समझिए, अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक रात तक इसी प्रकार से नंबरों को रखता जाऊंगा और तुक्का लगाऊंगा तब भी आंसर 30 नहीं आ पाएगा, काफी सारे पेज भर जाएंगे पर सॉल्व नहीं होगा। तो फिर हम क्या करें, क्या ये क्वेश्चन ऐसे ही रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं, इसका सॉल्यूशन भी होने वाला है जो आप अभी सीखोगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और करेक्ट आंसर लाने के लिए हमें समझने की जरूरत है रूल्स ऑफ पैरिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं समानता का नियम। और इस रूल के अंदर हमें समझने की जरूरत है इवन नंबर और ऑड नंबर। ये संख्या होती है 0, 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार के जो भी नंबर है वो सारे इवन नंबर कहलाते हैं। ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में ये जो 8 नंबर दिए गए हैं 1, 3, 5, 7, 15 तक, ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं। अगर इनमें से इवन नंबर दिया होता तो 30 बहुत आसानी से आ जाता। सबसे पहला नियम है हमारे पास, अगर कोई इवन नंबर है और उसमें अगर हम इवन नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर भी इवन आने वाला है। जैसे मेरे पास इवन नंबर लिखा है 2 और मैं प्लस कर रहा हूं 4 इवन नंबर से, तो आंसर आएगा मेरे पास 6, जो कि इवन नंबर ही है। ऐसे ही अगर मेरे पास एक इवन नंबर है उसमें से मैं माइनस कर रहा हूं इवन नंबर को, तब भी मेरे पास आंसर इवन नंबर ही आने वाला है। जैसे मेरे पास लिखा है 10, इवन नंबर है, माइनस कर रहा हूं मैं 6 को, ये भी इवन नंबर है, तो आंसर आएगा 4, ये भी इवन नंबर है। तो रूल्स ऑफ पैरिटी आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। तीसरा रूल, अगर मेरे पास कोई इवन नंबर है और मैं उसमें ऐड कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं ऑड नंबर को, तो मेरे पास ऑड नंबर मिलेगा। जैसे मेरे पास लिखा है 8, इवन नंबर है और मैं ऐड कर रहा हूं 3 को, जो कि ऑड नंबर है, दोनों को जोड़ूंगा 11 मिलेगा, जो कि ऑड नंबर है। ऐसे ही मेरे पास अगर इवन नंबर लिखा है और मैं माइनस कर रहा हूं ऑड नंबर को, तब भी मेरे पास ऑड नंबर मिलेगा। मेरे पास लिखा है 10, इवन नंबर है और मैं माइनस कर रहा हूं 5 को, जो कि ऑड नंबर है, तो मेरे पास बचेगा 5,
जो कि ऑड नंबर है। अब ये रूल में आपको क्यों लिखवा रहा हूं, बस आप एक मिनट ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। अभी तक हमने रूल्स ऑफ पैरिटी में सारा कॉन्सेप्ट इवन इवन नंबर का सीखा है। अगर मेरे पास ऑड नंबर है और मैं उसमें जोड़ रहा हूं या घटा रहा हूं ऑड नंबर को, तो मेरे पास आंसर इवन नंबर आने वाला है। जैसे ध्यान से समझिए, मेरे पास ऑड नंबर है 5 और मैं ऐड कर रहा हूं 3 को, वो भी ऑड नंबर है, तो आंसर आएगा मेरे पास 8, जो कि एक इवन नंबर है। ऐसे ही अगर मेरे पास लिखा है 15, ऑड नंबर है, और मैं माइनस कर रहा हूं 13 को, ये भी ऑड नंबर है। ऑड नंबर में से ऑड नंबर को माइनस करते हैं तो इवन नंबर बचता है। यही मैंने इस वाले रूल में सिखाया है आपको। अब तक हमने जो भी रूल्स ऑफ पैरिटी सीखे हैं वो सारे के सारे दो नंबर के साथ सीखे थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर है 3 नंबर। तो अब हम 3 नंबरों का रूल्स ऑफ पैरिटी निकालते हैं। हमारे पास जितने भी नंबर दिए गए हैं सारे के सारे ऑड नंबर हैं। तो अगर मैं किसी ऑड नंबर को ऐड कर रहा हूं एक और ऑड नंबर में, एक और ऑड नंबर में, यानी कि 3 बार, तो मेरे पास आंसर क्या मिलेगा? तो इन दोनों ऑड नंबरों को ऐड करने पर मुझे मिलेगा इवन नंबर, और मेरे पास एक ऑड नंबर पहले से बचा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑड नंबर मिलेगा। अब आप मुझे बताइए, ये जो 30 है क्या ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? ऑफ कोर्स ये इवन नंबर है, लेकिन हमने जब रूल्स ऑफ पैरिटी लगाया तब हमें पता चला 3 ऑड नंबरों का एडिशन हमेशा ऑड आने वाला है, लेकिन यहां तो इवन है, तो इवन तो जिंदगी में आएगा ही नहीं। तो इतनी सारी कैलकुलेशन के बाद ये कंक्लूजन निकला है कि अगर आप 3 ऑड नंबर लोगे तो उनका आंसर हमेशा ऑड आएगा, इवन आ ही नहीं सकता। तो फिर क्या इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है, अभी सीखोगे। लेकिन उससे पहले काफी बच्चों को क्वेश्चन और पजल में डिफरेंस ही नहीं पता होता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन और पजल में डिफरेंस पता करना बहुत जरूरी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व होते हैं। अगर आपके पास मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन लिखा है तो वो परफेक्टली मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व होना चाहिए। अगर आप रूल्स के खिलाफ सॉल्व करोगे तो वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। लेकिन पजल्स में ऐसा नहीं है, पजल्स में आप कोई सा भी कैसा भी अपने तरीके से रूल बना सकते हो और लगा सकते हो, और कैसे भी कर उस पजल को सॉल्व कर आंसर ला सकते हो। मैथमेटिक्स रूल के अकॉर्डिंग चलती है, पजल अपने हिसाब से चलती है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को क्वेश्चन मानते हो तो ये जिंदगी में कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैथमेटिक्स के रूल्स के खिलाफ है। लेकिन अगर आप इसे पजल मानते हो और तब सॉल्व करते हो तो ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा अब ध्यान से समझिए। मैथमेटिक्स में एक चैप्टर होता है जिसका नाम है फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल का यूज कर। अगर मेरे पास लिखा है 2 फैक्टोरियल तो इसका मतलब है मुझे 2 का मल्टीप्लाई 1 में करना है, उसके रिवर्स ऑर्डर में, और जो मल्टीप्लाई होकर आएगा वो लिख देना है आंसर। ऐसे ही अगर मेरे पास लिखा है 5 फैक्टोरियल तो मैं यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई 4 में करूंगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा, और आंसर आएगा मेरे पास 120, 5 फैक्टोरियल 120 के बराबर होगा। इस वाली पजल को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर 3 के आगे ये फैक्टोरियल लगाना है, और 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होगा। बस हमको ये चेंजेस करने की जरूरत है और ये पजल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ मैं लिखूंगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ मैं लिखूंगा 11 और यहां मैं लिखूंगा 13। अब हम इनको ऐड करते हैं,
थ्री फैक्टोरियल प्लस 11 प्लस 13 थ्री फैक्टोरियल 6 के बराबर होगा। ओवरऑल आंसर हमारे पास आएगा 30। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं इंतजार कर रहा हूं। धन्यवाद।